हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि जैसे आप सबको पता चल ही गया होगा कि 26 मई को साल का पहला चंद्रग्रहण लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो 26 मई का चंद्रग्रहण लगने वाला है उसको लेके बहुत से मन में लोगों के डाउट है कि ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या सावधानियां रखने की जरूरत है और इसकी एक्चुअल टाइमिंग कब है, ये दोपहर में है या रात में है, सही टाइमिंग इसकी क्या है। इसके साथ ही इस चंद्रग्रहण का आपके जीवन पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ, जिससे सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं उन सब के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो आप सभी के लिए अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप सभी से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट्स पूछने लगते हैं वही वीडियो से रिलेटेड जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें तभी जाके कमेंट्स करें। अगर कोई बात मुझसे छूट जाती है तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, 26 मई का जो ग्रहण लगने वाला है वो दोपहर में ही लगने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हाँ, इस ग्रहण की जो टाइमिंग है वो 26 मई दोपहर 2:17 से शाम के 7:19 तक रहने वाली है। 7:19 पर ये ग्रहण भारत में समाप्त हो जाएगा, भारत में फिर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों के जैसे आप सबके सवाल है, क्या ये भारत में दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं दिख ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ग्रहण का लगना और दिखना ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ग्रहण जैसे कि चंद्रमा पर लग रहा है, तो चंद्रमा पर लगने का क्या मतलब है कि ग्रहण पूरी पृथ्वी पर ही लग रहा है। अब अलग अलग टाइमिंग हर एक जगह की हो सकती है, जैसे कि इतना ज्यादा असर इस चंद्रग्रहण का नहीं हो रहा है हमारे भारत में, वो इसलिए क्योंकि ये जो चंद्रग्रहण है वो उपछाया चंद्रग्रहण है, मतलब कि भारत में ये उपछाया तरीके से दिखाई देगा, मतलब एक छाया टाइप की चंद्रग्रहण पे दिखाई देगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये भारत में नहीं लग रहा है, भारत चंद्रमा तो एक ही है ना, तो जब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो समझो पूरी पृथ्वी पर ही लगेगा और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर हो ही जाता है। बाकी लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्पेशली प्रेग्नेंट महिला को थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत जरूर रहती है। इसके साथ ही भारत में ये दिखाई नहीं देगा, इसकी जो टाइमिंग है वो दिन में है और दिन में सूरज की रोशनी में चंद्रमा नहीं दिखता है, जिस वजह से भारत के लोग इस ग्रहण को देख नहीं पाएंगे। लेकिन लगना देखना, जैसे मैंने आप सबको बताया कि दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए ग्रहण लग रहा है लेकिन जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब भी साल में उपछाया चंद्रग्रहण लगते हैं तो उनका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है, ना तो उसका सूतक काल मान्य होता है और ना ही धार्मिक कार्य रुकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप जैसे कि प्रेग्नेंट हैं और जैसे कि ग्रहण के दौरान जो भी छोटी मोटी सावधानियां रखी जाती हैं वो अगर आप रख लेती हैं, तो मुझे ये बताइए आपका जातक क्या है। या जो लोग फालतू के कमेंट्स करने आ जाते हैं कि ग्रहण तो लगा ही नहीं है, आप क्यों फालतू का डरा रही हो लोगों को, तो फ्रेंड्स, मैं जो भी अपने वीडियोज में बताती हूँ वो आपकी मर्जी है, आप इसको मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, लेकिन जो लोग मानना चाहते हैं, जो इन चीजों को शुरुआत से ही मानते आए हैं, जिनके बड़े बुजुर्ग भी बताते आए हैं, चंद्रग्रहण की जो सावधानियां होती है वो मान सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि चंद्रग्रहण दोपहर में लग रहा है, ठीक है, और 2:17 से 7:19 तक ये रहेगा। तो आपको बस ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप टेंशन ना लें, ज्यादा डरे नहीं, क्योंकि कई लेडीज बहुत ज्यादा डर गई हैं कि मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, मेरा सेकंड मंथ, फोर्थ मंथ, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना प्रभावशाली ये ग्रहण नहीं है। आपको सिर्फ एक सावधानी रखनी होती है इस टाइम पे, वो है आपको जो ग्रहण का टाइम है उस टाइम आपको बस अपने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस आप उस टाइम ग्रहण का जो समय है भारत में उस टाइम आप बाहर मत निकलिए, बस इतना सा काम कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बाकी काम सारे कर सकते हैं, यूरिन पास करने जा सकते हैं, आप सो सकती हैं, लेट सकती हैं, बैठ सकती हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, फोन चला सकती हैं, बस आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि इस दौरान जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं
खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी खा पी रही हैं, से अगर आप इस टाइम फ्रूट्स खा रही हैं तो कोशिश करें आप उनको ना काटें। कोई किसी फैमिली मेम्बर्स की आप हेल्प ले लें, वो कट कर सकते हैं, आपके हस्बैंड ने तो वो भी चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी हस्बैंड के लिए किसी भी तरीके के रूल्स मानने की ज़रूरत नहीं होती है, ये रूल्स सिर्फ उनके लिए होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं जिनके घर में बच्चा पल रहा है, ठीक है। तो उन्हीं को ये सावधानियाँ माननी है, आपके घर में जितने लोग हैं उनको किसी भी तरीके का नियम मानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है। तो आपके हस्बैंड कहीं भी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ग्रहण के दौरान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत से सवाल आ रहे थे कि मैम जो नारियल है उसका क्या करना है, तो आप नारियल को जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अपने पास रख लेना है, और जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता उस नारियल को आपको अपने पास ही रखना है। अब कई लोग कह रहे हैं कि मैम यूरिन पास करते टाइम भी क्या नारियल को साथ लेकर जाना है, तो ऐसा नहीं है, नारियल को साथ लेकर नहीं जाना है, जहां पर आप बैठे हुए हैं इस टाइम के दौरान बस वहीं आपको रखना है। बाकी यूरिन पास करने या कोई भी एक्टिविटी करना है आपको तो आप अपने घर ही घर में करिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि नारियल को आप साथ साथ लेके चलें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही इस टाइम के दौरान अगर आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, तो आप क्या करें कि अपने पैरों को फैलाकर ही लेटे, सीधे लेटे, और बैठ रहे हैं तो भी आप जैसे कि आप चेयर पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, तो आप अपने पीछे एक कुशन या पिलो लगा लें और टिक कर बैठे और अपने पैरों को फैलाकर बैठे। इस तरीके से बस आपको चीजें ध्यान रखनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना ही करें। जैसे कि लोग कहते हैं गोबर लगा लेना चाहिए पेट पर, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ग्रहण के बाद क्या सावधानियां रखनी है उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। जो ग्रहण के बाद जो उपाय करने होते हैं वो आप जरूर करें, इससे क्या होता है आपको भी फायदे होते हैं, आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है, तो उन उपायों को आप जरूर अपनाएं, वो टिप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।